गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम बात करेंगे स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। पहले दो वर्गीकरण किए जा चुके, तीसरे नंबर पे है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज में बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण करेंगे कैसे। पहला पॉइंट है इसमें इंडिविजुअल रिसोर्सेज, यानी व्यक्तिगत संसाधन। रिसोर्सेज विच आर ओन बाय प्राइवेट इंडिविजुअल आर नोन एज इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इसको इंडिविजुअल रिसोर्सेज किसको कहते हैं, वे संसाधन जिन पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, यानी अपनी संपत्ति होती है, अपनी होती है, तो उसको व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे प्लॉट्स हुआ, फील्ड हुआ, अपनी ज़मीन हुई, अपना घर हुआ, कार हुई, किताब एट्सेट्रा, बुक्स। सेकंड पॉइंट है इसमें कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। ये संसाधन वे होते हैं द रिसोर्सेज विच आर accessible to all the major members of the community resources, village, ponds, public parks, playgrounds, etc. वे संसाधन जो समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन कहलाते हैं। जैसे गांव में तालाब होते हैं या पार्क्स होते हैं, कम्युनिटी रिसोर्सेज जो सामुदायिक संसाधन जिसको कहेंगे।